तरंग इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। ये देखिए MZ की स्पीकर है दोस्तों। ये सेट तो आपका आना है, लेकिन इसमें ये चार्जिंग का पॉइंट जो है दोस्तों, देखिए ये आपका ये चार्जिंग पॉइंट आपका ये फॉल्ट है, टूट चुका है। इस सेट को हम ओपन करते हैं। ये देखिए नेट के नीचे से ही आपका ये नट लगा हुआ है, इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसमें ये चार नट आपके लगे हुए हैं, इसको हम ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों हमने इस सेट को ओपन कर दिया, और ये देखिए आपकी सेट ओपन हो गई दोस्तों। और ये देखिए ये आपकी चार्जिंग पिन जो है टूट चुकी है। ये चार्जिंग पिन देखिए आपका इस जगह से निकला हुआ है, इसमें हम दूसरा चार्जिंग पिन लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये जो आपका पिन टूटा है, सेम इस तरह का हमने पिन ले लिया है। अब इसको देखिए लगाना कैसे है, इसमें ये दोनों पिन देखिए ये जो आपका निकला हुआ है, लेकिन इसमें आपका लगने के लिए फंसने के लिए कोई सॉकेट नहीं दिया। इस पिन को हम सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, और इस पर हम रख कर इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे अच्छे तरीके से। इसको हम इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर देंगे इस पर। तो हम सबसे पहले इसको फोल्ड करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने ये आपका चार्जिंग सॉकेट फंसा के इसको इस प्रकार से इसमें देखिए हमने सोल्ड किया दोनों तरफ से पिनों को। ये इस प्रकार से हमने इसको लगाया हुआ है, इसको तगड़े से रंगा लगाना चाहिए दोस्तों, ये आपका मजबूती से पकड़े। ये देखिए आपका हमने इस तरीके से इसको लगा दिया। अब इसको देखिए कनेक्शन कैसे करना है दोस्तों, इसमें देखिए ये दो पिन होते हैं, एक पिन इसका ये जो आपका दाहिना साइड होता है ये अर्थ होता है, तो इसके दाहिने साइड के पिन को देखिए हमने इसको मोड़ा हुआ है पहले से ही, इसको हम चेचिस से ही इसके अर्थ कर देते हैं। इसका देखिए ये पिन जो है इसको हमने इस तरीके से अर्थ कर दिया, इसको देखिए इसके इस पिन को हमने इसको अर्थ कर दिया। देखिए दोस्तों हमने इस पिन को जब लगाकर अच्छे से सोल्ड कर दिया, तो इसके एक पिन को हमने इसके बॉडी पर ही आपके इस बॉडी पर ही देखिए हमने सोल्डिंग कर दिया है, और दूसरे पिन से देखिए हमने इस पिन से ये जो सप्लाई की तरह ये है प्लस पॉइंट, तो इसका जो पुराना वाला दोस्तों ये जैक था, देखिए इसमें चार पॉइंट था आपका, ये आपका चार पॉइंट का पिन था, ये देखिए इसमें आपका ये चार पॉइंट है। तो इसका ये प्रिंट जो है यहाँ का PCB ख़राब हो गई है दोस्तों, तो हमने इसके दूसरे PCB से इस पॉइंट से ये सप्लाई प्लस वाला निकाल लिया, और माइनस वाले को हमने अर्थ कर दिया चेचिस से इसी के पिन के सॉकेट से। और ये देखिए हमें दूसरा पिन निकाला, इसमें देखिए हम चार्जर को लगाते हैं, ये देखिए हमने चार्जर को लगा दिया दोस्तों। अगर हम सप्लाई भी चेक करना चाहें तो ये मीटर के द्वारा देखिए हम चेक कर सकते हैं आपके। ये देखिए हमने चेचिस से आपके अर्थ ले लिया, ये देखिए ये अर्थ ले लिया, ये देखिए अर्थ आपका काम कर रहा है, और ये वाला वायर हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है जो प्लस है। देखिए इसके हम दूसरे सिरे को पलटेंगे, ये देखिए ये लाल वाला जो जैक है ये आपका बैटरी का है, और इसमें देखिए एक ये चिन्ह है जो ये देखिए पांच टांकी जो है ये है आपका IC जो कि चार्जिंग IC है। इसके सप्लाई से ही ये आपके मतलब एक तरीके का ये डायोड का ही काम करता है, IC है इसके द्वारा ही सप्लाई इस पिन पे जाती है और बैटरी चार्ज होती है। अब देखिए इसके जो ये प्लस वाला वायर है इसको हम इस पर टच करके देखते हैं आखिर ये रेड इंडिकेटर किस पर जलती है, और इसी पर हम सोल्ड कर देंगे। और ये देखिए ये आपकी लाल बत्ती दोस्तों जल गई, देखिए इसका मतलब हुआ कि ये आपका जो पिन है ये आपका पॉजिटिव है, इस पर हम इस तार पलट कर इसमें लगा देते हैं इस प्रकार से।
ये देखिए दोस्तों, हमने इस वायर को अच्छे से जोड़ दिया। देखिए अब इसमें हम चार्ज लगाते हैं, और ये देखिए हमने चार्ज पिन लगा दिया और रेड इंडिकेटर आपकी जल गई। अब इसमें हम करते क्या है, बैटरी वायर को भी कनेक्ट करते हैं। ये आपका हो गया बैटरी वायर, और ये आपका पतला वाला जो वायर है ये आपका स्पीकर वायर हो गया। अब देखिए इस सेट को हम ऑन करते हैं। और ये देखिए आपकी स्पीकर ऑन हो गई दोस्तों। दोस्तों सीआरटी टीवी, एलईडी टीवी या ब्लूटूथ स्पीकर संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स द्वारा पूछ सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।